गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, माई नेम इज़ मिस दविंदर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंटरेक्टिव इंग्लिश बुक, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, और चैप्टर का नेम है अरुणा असफ अली द हीरोइन ऑफ 1942। तो इस चैप्टर का हमने पेज नंबर 9 कल किया था, आज हम पेज नंबर 10 कर रहे हैं। तो पेज नंबर 9 के लास्ट में हमने किया था कि उसकी मदर, उसकी जो ग्रैंडमा है, वो मिनी को बता रही है, आराम से घर में सोफ़ा पर बैठ गए हैं, वो लोग घर पहुंच चुके हैं और आराम से बैठ गए हैं। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बता रही है कि अरुणा असफ अली कब पैदा हुई थी। शी वॉज़ बॉर्न ऑन 16 जुलाई 1908 एट कालका इन पंजाब। वो उसे बता रही है कि वो जो है कब पैदा हुई थी। तो शी इज़ टेलिंग शी वॉज़ बॉर्न ऑन 16 जुलाई 1908 एट कालका इन पंजाब, कि वो पंजाब में कालका में 1908 में 16 जुलाई को वो बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी इन ब्रिटिश इंडिया एज अरुणा गांगुली इन बंगाल फैमिली, क्योंकि अरुणा गांगुली जो थी वो बंगाल फैमिली में पैदा हुई थी, ठीक है, उसकी कास्ट गांगुली थी। शी स्टडीड एट लाहौर, और उसकी जो स्टडी थी वो लाहौर में हुई थी, एंड देन एट नैनीताल, लाहौर के बाद उसने अपनी स्टडी नैनीताल में भी की थी। शी वर्कड एज ए टीचर इन कैलकटा, और कैलकटा में उसने एज अ टीचर जॉब भी की थी। नाउ अब इसको कोलकाता के नाम से बोला जाता है, जिसको पहले कैलकटा बोला जाता था, ठीक है। शी लेटर मैरिड असफ अली, उसके बाद में उसकी मैरिज हो गई असफ अली के साथ, अ लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1928 में कांग्रेस पार्टी के लीडर से उसकी शादी हो गई। तो मिनी लिसन्ड टू हर ग्रैंड मदर एंड फर्दर आस्ट, मिनी ने फिर से अपनी ग्रैंड मदर को की बात को ध्यान से सुना और उसे उनसे पूछा उसने, ग्रैंड मदर हाउ वाज शी इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो अरुणा असफ अली थी उसने फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे वो इन्वॉल्व हुई थी, कैसे शामिल हुई थी वहाँ पे। तो हर ग्रैंड मदर स्माइल्ड, तो उसकी ग्रैंड मदर ने स्माइल किया और बताया, आई एम कमिंग टू दैट, मैं अभी इस पॉइंट पे पहुंच रही हूँ, आपको बता रही हूँ सारी बातें। डियर शी बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिव मेंबर बन गई थी आफ्टर मैरिंग असफ अली। असफ अली से शादी कराने के बाद वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिव मेंबर बन गई थी। शी टुक पार्ट इन साल्ट सत्याग्रह, और उस टाइम पे जो आंदोलन चल रहे थे, सत्याग्रह चल रहे थे, तो वहाँ पे नमक का जो आंदोलन चला था, साल्ट सत्याग्रह, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, जिसमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का आंदोलन चलाया गया था, तो इस आंदोलन में भी अरुणा असफ अली ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन बॉम्बे। उसने बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग भी होस्ट किया था, मतलब लहराया था। अब बॉम्बे को जो है मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ ब्रैकेट में मुंबई लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1942 में उसने ऐसा किया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। मिनी लुक्ड क्यूरियस, अब मिनी जो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्यूरियस हो गई बातों को जानने के लिए। शी इज़ टेकिंग मोर इंटरेस्ट नाउ, वाज शी ऑल्सो अरेस्टेड लाइक अदर फ्रीडम फाइटर्स, तो पूछती है कि क्या उसे भी बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तरह अरेस्ट किया गया था, क्या उसे भी जेल में डाल दिया गया था। देन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे, ओ यस, वंस शी वाज सेंट इन तिहार जेल, हाँ तो बताया गया कि हाँ उसे भी एक बार तिहार जेल के अंदर डाल दिया गया था। सैड ग्रैंड मदर ने कहा, मिनी नॉडेड, शी वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी ग्रैंड माँ। तो मिनी अपना सिर हिलाते हुए बोलती है कि ग्रैंड माँ रियल में वो जो थी अरुणा असफ अली वाकई में बहुत ज़्यादा ब्रेव लेडी थी, बहुत ज़्यादा बहादुर थी। तो अरुणा असफ अली वॉज कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द 1942 मोमेंट फॉर हर ब्रेवरी फेस्ड विद डेंजर, क्योंकि उसने अपनी बहादुरी दिखाई थी और डेंजर का सामना किया था, मतलब ख़तरनाक टाइम पे भी उसने बहुत बहादुरी दिखाई थी, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे हीरोइन ऑफ द 1942 मूवमेंट कहा जाता है, ओके। तो शी वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है उसे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट।
आई सिंपली एडमायर्ड हर, तो ग्रैंड माँ ने सिंपली अरुणा सफल की एडमायर किया, एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा की उसने, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज अवार्डेड, अब उसे कौन कौन से अवार्ड मिले थे, यहाँ पे दादी माँ मिनी को ये सारा कुछ बता रही है कि उसको क्या क्या मिला था, कौन कौन से अवार्ड उसने अचीव किए थे। तो शी वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज़, तो ये सारे आपको लर्न करने हैं, उसे कौन कौन से प्राइजेस मिले थे और उसने कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सारा आपको लर्न करना है, ठीक है। तो उसने इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज़ 1964 ये अवार्ड उसने प्राप्त किया था। देन एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से यानी सभी देशों को समझने का लेवल था उसके अंदर, उसके लिए उसे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिला था इन 1991। शी रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 1992। 1992 में उसे पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो अवार्डेड हर द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था और जिसका नाम होता है द भारत रत्ना। तो ये बहुत बड़े बड़े प्राइजेस होते हैं, हाइएस्ट लेवल के प्राइजेस, वो सभी उसको बिहेवियर की वजह से और ब्रेवरी की वजह से मिले थे। तो आफ्टर हर डेथ इन 1997 मिनी सेड दैट वाज अ बिग ऑनर, मिनी बोलते कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा उसे सम्मान दिया गया है, बहुत अच्छे प्राइजेस मिले हैं, बहुत बड़ा सम्मान उसे मिला है। तो ग्रैंड मदर लुक्ड एट हर विद एन अंडरस्टैंडिंग स्माइल, तो ग्रैंड माँ ने भी अपनी मिनी को बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग स्माइल से देखा कि क्योंकि बच्चा जो है इतनी बड़ी बड़ी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा था। तो आप भी क्लास फोर्थ के बच्चे इस बात को अच्छे से समझेंगे जैसे कि मिनी ने समझाया। यस इंडीड, दो शी फेल्ट कांग्रेस, दो शी लेफ्ट कांग्रेस, तो उसने उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था एंड ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक उसने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था एंड री ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी इन 1964, और 1964 में उसने कांग्रेस पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। शी डाइड इन 1996, और उनकी डेथ जो है 1996 में हो गई थी, किसकी, अरुणा असफ अली की बात कर रहे हैं हम। दो शी वॉज अ वुमेन, जबकि वो एक वुमेन थी, शी अचीव्ड अ लॉट, लेकिन उसने बहुत प्राप्ति जो बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत अचीवमेंट्स को हासिल किया अपनी लाइफ में। रिमेंबर शी वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर, और उसे अपने सिटी का इलेक्टेड मेयर भी चुना गया, मेयर जैसे हम अपने शहर का MC चुनते हैं इस तरह से नगर परिषद का नेता होता है, दिल्ली में उसे मेयर चुना गया। मिनी सडनली लुक्ड एक्साइटेड, मिनी अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, ठीक है। तो क्या कहने लगी, ग्रैंडमा द अदर डे वी वेंट टू वॉच अ मूवी, कि अगले दिन हम ना जो है अगले दिन मूवी को जब देखने गए, फिल्म देखने गए, एंड समवेयर ऑन द वे रास्ते में क्या हुआ, वी क्रॉस्ड अरुणा असफ अली मार्ग, रास्ते में दिल्ली में क्या आया, अरुणा असफ अली मार्ग रास्ते में पड़ता था। तो अब उसे समझ आ गई थी कि ये इस नाम पे क्यों रखा गया है। नाउ आई नो आफ्टर होम इट हैज़ बीन नेम्ड, अब मुझे पता चल गया था कि पर ये मार्ग का नाम रखा गया है। ग्रैंड मदर स्माइल्ड, ग्रैंड माँ ने स्माइल किया, यस आई यूज टू रीड अबाउट हर, तो ग्रैंड माँ बोलती है कि हाँ मैं तो अक्सर इस मार्ग के नाम को पढ़ती ही रहती हूँ, तो मुझे तो पता है ये किस लिए नाम रखा हुआ है। एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट उन्होंने रोल किया था। मिनी सेड ग्रैंड माँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ग्रैंड माँ मुझे आप पर बहुत गर्व है। वन डे आई विल ऑल्सो डू ग्रेट थिंग्स फॉर माई कंट्री, एक दिन मैं भी अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगी। आई वुड मेक यू प्राउड, और मैं तुम्हारा नाम रोशन करूँगी, तुम्हें भी प्राउड फील करवाऊँगी, तुम्हें भी मेरे ऊपर गर्व होगा कि मैंने अच्छे काम किए हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो इस तरह से मिनी अपनी ग्रैंड माँ से ऐसी बातें सुनकर जो कि ब्रेवरी वाली बातें हैं, तो वो भी ऐसी ही बनना चाहती है। इस तरह से मुझे होप है बच्चे भी इस चैप्टर से बहुत सीखेंगे और यहाँ से अपनी क्वालिटीज़ को अचीव करेंगे। तो आपके नेक्स्ट आपको जो इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इसके आपको रीडिंग करनी है और आपको जो है ऑडियो मैसेज से इसकी रीडिंग को सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।